नमस्कार, आज हम देखेंगे इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है किसी भी लिक्विड का? बॉइलिंग पॉइंट वह पॉइंट होता है, वह टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। जैसे अपन किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं, गर्म करने पर उसकी वाष्प ज्यादा बनने लगती है, तो उसका जो वाष्प दाब है जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वो कहते हैं वो बॉयल होने लग गया, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जब हम कोई सॉल्यूट डालते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर, यानी जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट की तुलना में कैसे चेंज हो जाता है, यानी हमेशा ये देखा जाता है कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि हो जाती है। इसीलिए अपन कहते हैं इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इलेवेशन का मतलब वृद्धि, बढ़ोतरी, इंक्रीज। तो क्वथनांक में इंक्रीज यानी उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो ये हम आज देखेंगे। सॉल्यूशन का जो क्वथनांक है वो सॉल्वेंट की तुलना में ज्यादा क्यों होता है? अब हम जानते हैं कि जब भी हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर तो उसका वेपर प्रेशर, उसका जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है, यानी सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूशन का वाष्प दाब कम होता है। तो जब हम सॉल्यूशन को गर्म करेंगे तो उसको एक वायुमंडलीय दाब तक, उसका जो वेपर प्रेशर एक वायुमंडलीय दाब होने तक हमें गर्म करना पड़ेगा बॉइल करने के लिए। और चूंकि सॉल्यूशन का वाष्प दाब सॉल्वेंट की तुलना में कम है इसलिए हम उसको ज्यादा गर्म करना पड़ता, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, उसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए, इसलिए हमें उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है और इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हैविंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज हायर देन दैट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब ये जो डिफरेंस है, हमने सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनाया तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर इंक्रीज हुआ, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर वृद्धि हुई, तो ये जितनी वृद्धि होती है वो इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट एट ए सर्टेन कॉन्स्टेंट प्रेशर इज नोन एज इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे निर्धारित किया जाता है, क्या तरीके हैं जिनके द्वारा हम बॉइलिंग पॉइंट में जो उन्नयन है वो ज्ञात करते हैं। अब हम बॉइलिंग पॉइंट में कितनी वृद्धि हो रही होती है किसी सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट डालते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए यानी इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए हम एक सॉल्वेंट और उसके दो सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन वन एंड सॉल्यूशन टू। सॉल्यूशन वन में कम मात्रा में सॉल्यूट मिला है और सॉल्यूशन टू के अंदर थोड़ी ज्यादा मात्रा में सॉल्यूट मिक्स किया हुआ है। तो देखिए हम इधर इस तरह से ग्राफ खींचते हैं टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में, वाष्प दाब और ताप के बीच में ग्राफ। ये सॉल्वेंट के लिए है, प्योर सॉल्वेंट के लिए इस तरह का ग्राफ है। ये देखिए यहाँ ये जो दाब है, इधर हम वेपर प्रेशर ले रहे हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वायुमंडलीय दाब। तो जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का, तब वो बॉइल पॉइंट उनका होगा, यानी तब वो बॉइलिंग करेंगे, वो वाला जो टेम्परेचर होगा वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। देखिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे सॉल्वेंट के लिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाष्प दाब बढ़ेगा,
इस तरह से बढ़ता जा रहा है। जब ये वाष्पदाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, यहाँ पे हो रहा है, तो जो टेम्परेचर होगा उसका ये कितना है टीबी, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्वेंट के लिए। सॉल्वेंट के लिए टीबी टेम्परेचर पे इसका जो वाष्पदाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर है, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो टीबी है। अब हम सॉल्यूशन वन के लिए देखते हैं। सॉल्यूशन वन को जब हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो इसका वाष्पदाब बढ़ेगा और यहाँ जाके ये वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो इस टेम्परेचर यानी टी1 टेम्परेचर पे इसका जो वाष्पदाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है, इसलिए टी1 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। हम देख रहे हैं यहाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बाकी ये जो सॉल्वेंट है उसकी तुलना में सॉल्यूशन वन का बॉइलिंग पॉइंट अधिक है या टेम्परेचर इस साइड बढ़ रहा है। ऐसे ही हम सॉल्यूशन टू लेते हैं, थोड़ी ज्यादा मात्रा में हमने इसमें सॉल्यूट डाला है, तो इसको इसका वेपर प्रेशर क्योंकि और भी कम है इसलिए हमें इसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। और देखिए इसको वाष्पदाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर आएगा तो इसका टेम्परेचर यहाँ टी टू आ रहा है, तो ये और भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है इसके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। तो इस तरह से ये हमें ग्राफ प्राप्त होते हैं। अब अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं तो ये जो लाइंस हैं ये स्ट्रेट और पैरेलल हम मान सकते हैं। तो देखिए हमने ये पॉइंट इस तरह से लिया है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है। इधर ये जो पी है ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, पी वन सोल्यूशन वन का और पी टू सोल्यूशन टू का वेपर प्रेशर है। अब ये जो ट्राइंगल्स हैं उनको जरा ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ए सी ई और ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी और ट्राइंगल ए सी ई, ए सी ई ये दो जो ट्राइंगल्स हैं ये समरूप हैं, तो इनको इनके जो इनकी हम तुलना कर सकते हैं। ए सी ये जो बड़ा ट्राइंगल है उसकी ये वाली भुजा है अपॉन छोटे ट्राइंगल की ये वाली भुजा देखिए बी सी, ए सी अपॉन बी सी। इसी तरह से बड़ा ट्राइंगल है इसकी ये वाली भुजा सी ई और छोटे वाला ट्राइंगल ये वाला इसकी सी डी, इस तरह से हम इनकी तुलना कर सकते हैं। अब इनकी वैल्यूज रख सकते हैं हम यहाँ से देख के, ए सी की वैल्यू देखिए क्या है, ए सी ये वाली देखिए यहाँ से देखिए P माइनस पी टू हमने ये रखा, बी सी बी सी की वैल्यू क्या है P माइनस पी वन ये हमने रख दिया। इसी तरह अब इस साइड की देखिए सी ई, सी ई इधर से पी टू माइनस पी बी ये हमने यहाँ रखा। इसी तरह सी डी नीचे सी डी ये कितनी आएगी टी वन माइनस पी बी, टी वन माइनस पी बी की वैल्यू इस तरह से ये रखा। अब ऊपर क्या आ रहा है P माइनस पी टू, यानी ये जो P माइनस पी टू क्या है, P है शुद्ध सॉल्वेंट का वाष्पदाब और P2 सॉल्यूशन 2 का वाष्पदाब, यानी वाष्पदाब में कितनी कमी हुई है वो हम डेल्टा P2 से दिखा रहे हैं। ये वाष्पदाब में अवनमन है सॉल्यूशन 2 के लिए और नीचे डेल्टा पी वन को हम डेल्टा पी वन से लिख रहे हैं, यानी सॉल्यूशन वन के लिए वाष्पदाब में अवनमन यानी वाष्पदाब में कमी है और इधर सॉल्यूशन टू के लिए बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि, देखिए टी टू माइनस टी बी बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि सॉल्यूशन टू के लिए और टी वन माइनस टी बी सॉल्यूशन वन के लिए बॉइलिंग पॉइंट के अंदर वृद्धि है। तो इस तरह से हम इस फिगर के द्वारा हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन वन है, इससे हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो वाष्पदाब में कमी है ये बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह से हम कह सकते हैं।
अब देखिए ये इक्वेशन नंबर वन है। अब इस इक्वेशन नंबर वन में हम देखिए इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो ये राशियां हैं उनके अंदर उनको पी से डिवाइड करेंगे, यानी ये पी क्या है सोलवेंट का वास्तव, सोलवेंट के वास्तव से हम उनको डिवाइड करेंगे। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर नीचे दोनों में हम कर रहे हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन पी। डेल्टा पी अपॉन पी क्या कहलाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के प्रोपोर्शनल। तो हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वास्तव में अपेक्षित अवनमन ये क्वथनांक उन्नयन के प्रोपोर्शनल होता है, क्वथनांक में जितनी बढ़ोतरी है उसके प्रोपोर्शनल होता है। अब राउल्स के नियम, राउल्स का से हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये सोल्यूट की मोल भिन्न के प्रोपोर्शनल होता है, ये हम राउल्स के नियम से जानते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, अब यहां से डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे देखिए ये स्मॉल एन ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है और कैपिटल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की मोलों की संख्या। इस तरह से हम इनको पहले भी यूज कर चुके हैं। अब जब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो तो हम ये जो नीचे वाली राशि है इसको, क्योंकि स्मॉल एन का मान बहुत कम होगा कैपिटल एन की तुलना में, इसलिए इसको कैपिटल एन ही लिख सकते हैं। और डाइल्यूट सॉल्यूशंस हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन ये बराबर कैपिटल एन की होगा। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखिए हम इसको बराबर के चिन्ह से लिखना चाहें तो कैसे करेंगे, कोई कांस्टेंट यूज करेंगे हम, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हम मान लीजिए कांस्टेंट ए यूज कर लेते हैं, इस तरह से ये होगा, ए कोई कांस्टेंट है हमें यूज किया। अब एन स्मॉल एन ये क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मान लीजिए हमने सोल्यूट के डब्ल्यू ग्राम स्मॉल डब्ल्यू ग्राम लिए हैं और उसका मोलर मास स्मॉल एम है सोल्यूट, ये मिलेगा सोल्यूट का, तो हम स्मॉल एन को इस तरह से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम सोल्वेंट के कैपिटल डब्ल्यू ग्राम ले रहे हैं और उसका मोलर मास कैपिटल एम है, तो कैपिटल एम को यानी सॉल्वेंट के मोलों की संख्या को हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो ये जो वैल्यूज है हम इसमें रख रहे हैं ऊपर, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू ए, ऊपर देखिए एन के स्थान स्मॉल एन के स्थान पे हम लिख रहे हैं ये, और कैपिटल एन के स्थान पे अब इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं हम, स्मॉल डब्ल्यू ऊपर रहेगा कैपिटल एन ऊपर चला जाएगा और कैपिटल डब्ल्यू नीचे और स्मॉल एन नीचे रहेगा, इस तरह से ये लिखा जा सकता है। अब इसमें क्या है कि सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कॉन्स्टेंट है ये वाली, इसलिए हम ये भी कॉन्स्टेंट है ए और ये भी कॉन्स्टेंट है, तो इनको मिला के दूसरा कॉन्स्टेंट लिख लेते हैं। मान लीजिए इसको हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, के इज इक्वल टू ए एम, के इज इक्वल टू ए एम हम एक नया कॉन्स्टेंट यहाँ रख रहे हैं, तो अब ये इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी के डब्ल्यू अपॉन ये स्मॉल डब्ल्यू है ऊपर नीचे कैपिटल डब्ल्यू है और एन, इस रूप में ये इक्वेशन हमें
प्राप्त होती है। ये जो k है ये एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है, एलिवेशन कांस्टेंट। एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है। तो देखिए इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हम w अपॉन m जो सॉल्यूट के मोलों की संख्या है, यानी w अपॉन m ये एक ले ले, यानी एक मोल सॉल्यूट ले ले, और कैपिटल w क्या है, विलायक की मात्रा, कैपिटल w एक ग्राम ले ले, यानी एक मोल को एक ग्राम, एक मोल सॉल्यूट को एक ग्राम विलायक में डिजोल्व करें, तो जो क्वथनांक में वृद्धि हो रही है डेल्टा टीबी वो के बराबर, यानी वो इलेवेशन कांस्टेंट के बराबर होगी। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम एक मोल सॉल्यूट लेके उसको एक ग्राम सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करें तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन है वो एलिवेशन कांस्टेंट के बराबर होगा। लेकिन चूंकि हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस काम में लेते हैं इसलिए हमें ये जो है इसको इस तरह से हम लिखते हैं कि हम एक मोल, इससे हमें ये प्राप्त हो रहा है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के, जब हमने एक मोल विलय को एक ग्राम विलय के अंदर डिजोल्व किया है तो हमें इस तरह से प्राप्त हो रहा है। अगर हम ऐसा करें कि एक मोल हम ले लें सॉल्यूट और यानी एन का मान वन, यूं भी कह सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन का मान वन, ये वन ले लेते हैं, और कैपिटल डब्ल्यू हम ले लेते हैं 1000 ग्राम, मतलब विलायक की मात्रा हम 1000 ग्राम ले लेते हैं और एक मोल सॉल्यूट उसके अंदर डिजोल्व करते हैं। ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ से देखिए ये जो डेल्टा टीबी होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा टीबी बराबर हमने ये W अपॉन M तो एक रखा है, एक मोल लिया तो इसके बराबर होगा। अब ये जो है कि अपॉन 1000 ये भी कांस्टेंट ही है, इसको हम एक दूसरे कांस्टेंट से दर्शाते हैं जिसको हम KB से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कहते हैं मोलर इलेवेशन कांस्टेंट। KB को हम कहेंगे मोलर इलेवेशन कांस्टेंट, मोलर इलेवेशन कांस्टेंट दर्शाते हैं। तो KB और K के बीच में क्या संबंध है, देखिए K इज इक्वल टू 1000 KB, K इज इक्वल टू 1000 KB। अब ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसके अंदर K की वैल्यू रख लीजिए, तो डेल्टा टी किसके बराबर होगा 1000 KB स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एन। तो इस तरह से हमें डेल्टा टीबी की वैल्यू यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू प्राप्त होती है। तो इस इक्वेशन में हम, इस इक्वेशन के द्वारा हम बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन ज्ञात कर सकते हैं। इस पे आधारित कई बार न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं।